गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 3 लेसन नंबर 13। योर लेसन 13 इज पपी एंड आई। पपी एंड आई, हमने जब लास्ट लेसन था वो था द स्टोरी ऑफ द रोड, जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे है पपी एंड आई। अब वो जो लेसन है दैट इज अ पोयम। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड रीड। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, मैन एंड आई। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड टू द मैन एज वी वेंट बाय, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। विल यू कम विथ मी? नो, नॉट आई। I met a horse as I went walking, we got talking, horse and I, where are you going to? Horse, today. I said to the horse as he went by, down to the village to get some hay. Will you come with me? No, no, not I. I met a puppy as I went walking, we got talking, puppy and I. Where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to go and play. I will come with you, puppy said I. यहाँ पे जो poet है वो बता रहे हैं, ये जो बच्चा है, बच्चा है, वो बता रहा है कि आपको picture देख के भी पता चल जाएगा कि आई मेट अ मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला जब मैं वॉकिंग पे गया था। हमने दोनों ने बातें शुरू करी और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। जब वो मेरे पास से गुजरे, जो दूसरा व्यक्ति है वो बच्चे के पास से गुजरे, तो बच्चा पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है, जो व्यक्ति है दूसरा, वो कहता है डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, मैं कुछ ब्रेड लेने के लिए नीचे गांव में जा रहा हूँ। विल यू कम विथ मी? वो जो दूसरा व्यक्ति था उसने बच्चे से पूछा कि आप हमारे साथ आओगे, तो बच्चा कहता है नो, नॉट आई, मैं नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद में वही बच्चा आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, जब वो गया हुआ था वॉकिंग पे तो उस बच्चे को एक घोड़ा मिला, हॉर्स, और फिर उन दोनों ने बातें शुरू कर ली, घोड़े ने और बच्चे ने। वेयर आर यू गोइंग? बच्चे ने पूछा हॉर्स को, तो जब हॉर्स बच्चे के पास से निकल रहा था तो बच्चे ने क्या पूछा, आप कहाँ जा रहे हो, तो घोड़े ने क्या जवाब दिया, आंसर दिया, जो हॉर्स था उसका आंसर था डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। हे का मतलब होता है स्टूडेंट्स सूखी घास। तो घोड़े ने कहा कि मैं कुछ घास लेने जा रहा हूँ सूखी नीचे गांव में। विल यू कम विथ मी? घोड़े ने भी फिर बच्चे से पूछा कि आप हमारे साथ आ रहे हो, मेरे साथ आओगे, तो बच्चे ने कहा नो, नॉट आई, मैं नहीं आ रहा। उसके बाद क्या होता है, आई मेट अ पपी एंड आई वेंट वॉकिंग, फिर वो क्या एक पपी से मिला और फिर उन दोनों की बातें हुई। जब वो पपी उस बच्चे के पास से निकल रहा था तब उन दोनों ने बातें की, और फिर बच्चे ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो पपी ने क्या जवाब दिया, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले। पपी ने कहा मैं ऊपर पहाड़ पे जा रहा हूँ, पहाड़ी पे ऊपर जा रहा हूँ, रोल, गोल गोल घूमना, जैसे आप खेलते हो तो गोल गोल घूमते हो ना, रोल करने के लिए, और प्ले, प्ले मीन्स खेलना। आई विल कम विथ यू, पपी सेड आई, और पपी मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, ऐसा किसने कहा, वो जो चाइल्ड था उसने। मतलब ये दोनों पिक्चर में वो व्यक्ति था, वो ब्रेड लेने जा रहा था, वो बच्चा उसके साथ में गया, फिर घोड़ा था वो थोड़ा हरी घास, सूखी घास लेने जा रहा था, हे मींस सूखी घास, तो वो बच्चा उसके साथ भी नहीं गया, लेकिन जो पपी था वो ऊपर जा रहा था रोल एंड प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, गोल गोल खेलने के लिए, तो बच्चा पपी के साथ चला गया। Now I am going to read the summary of this poem. In the poem, Puppy and I, the child meets a man. First, the man asks if the child wants to come with him to get some bread.
down to the village. The child refuses. Then he meets a horse. The horse asks if the child wants to come with it to get some hay down to the village. The child refuses. Then he meets a puppy. The puppy was going up in the hills to play. The child happily says that he will come with the puppy to play. Now vocabulary, whatever जो भी है यहाँ पे वोकैबुलरी क्या है और वो ये है, वही आपके हार्ड वर्ड है, वही आपके न्यू वर्ड्स भी हैं, ठीक है। फर्स्ट था, जस्ट अ सेकेंड, लिखे हैं मैंने आपके लिए। यू कैन सी वॉकिंग
talking Rocky. They play hay. Red say bad. And last one is come sun or S-U-N sun. Question number 4. Match the animals with their sounds. यहाँ पे हमें जो एनिमल हैं उनके नेम दिए हुए हैं और उनके साउंड्स वो किस तरह से बोलते हैं वो हमें मैच करने हैं. तो वो आप देख सकते हैं, मैच आप जब भी करें तो इसी तरह से करें जो सेपरेट हमें पता चले कि कौन सा वर्ड किसके साथ मैच हुआ है. ओके, यू कैन सी द स्क्रीन एंड डू लाइक दिस. Your question number 5 is answer the following question. आपको क्या करना है? ये जो question दिए हुए हैं इनके answer देने हैं. A, who is I in the poem? I कौन है यहाँ poem में? The child, मतलब जो बच्चा है, जो poet है, वो I है. Where was the man going? जो man था वो, व्यक्ति था वो कहाँ जा रहा है? Man was going to get some bread. Why didn't the child go with the horse? Because the horse was going to get some hay. Why did the child go with the puppy? Because the puppy was going to play. क्योंकि जो puppy था वो खेलने जा रहा था. Now you can see the answers over here. A, B, C or D. Your question number 6, students, list these animals under domestic animals and wild animals. यहाँ पे क्या करना है हमें? Domestic animals और wild animals है जो उनको separate लिखना है. हमने यहाँ लिख दिया domestic dog, cow, sheep, goat, buffalo and wild is jackal, elephant, fox, deer और tiger. यहाँ आपको बॉक्स में ऑलरेडी जो ये हेल्प ऑफ जैसा है इसमें क्लाउड में आंसर्स हैं जो आपको सिर्फ सेपरेट करके लिखना है. योर क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स. ए इज हिल, सो राइमिंग इज फिल किल. बी हे डे बे. सी फाइन, तो आंसर इज डाइन और लाइन. फाइन का क्या होगा राइमिंग? डाइन और लाइन. डी गेट बैट लेट. ई गोइंग डूइंग रोइंग. एफ हैव वेयर देयर. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर योर आंसर्स आर हियर. हिल फिल फिल हे डे बैट एंड find that line, get that flag, going, 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 here, where, there. Now students, your question number 6, match the animal with their young ones. यहाँ पे क्या करना है? Animals को किससे match करना है? उनके youngers, sorry young one नहीं youngers, okay? क्योंकि हम young one ही कहते हैं, इसलिए मैंने कहा वो गलत नहीं है. बट यहाँ पे यंगर लिखा हुआ है, सो मैच द एनिमल विद द यंगर्स. यहाँ यंगर्स है और क्वेश्चन में यंगर्स है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. मैंने इसीलिए सॉरी बोला क्योंकि यहाँ पे एनिमल और यंगर्स है और आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन में तो यंग वंस है, यंगर्स किसको कहते हैं? दोनों सेम है. ओके, सो डॉग पप horse, ball, goat, kid, sheep, lamb, duck, duckling, cow, calf, lion, cub, cat, kitten. Dog है जो हमने, उसका जो young one और youngers है वो pup, horse, goat, kid, sheep, lamb, cow, calf, lion, cub and last one is cat, kitten. Question number 9 है, read the stanza and choose the right word. There is no need to read. मैं यहाँ पे पढ़ इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा का पूरा ये जो आपका पोयम था वो पढ़ दिया था और यहाँ पे जो स्टेंजा है आप ही तो पढ़ेंगे ना थोड़ा बहुत. आंसर्स मैंने आपको दे दिए. आंसर ये है,
इज माय. बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा हम लोग मिस करते हैं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है, वीडियो एक सर्टेन टाइम में हमें पूरा करना है. ओके, सो यहाँ पे ए आपका जो क्वेश्चन है ब्रूनो इज माय, तो आंसर इज पीईटी पैट. ब्रूनो क्या है, तो यहाँ मैंने पैट आंसर पे अंडरलाइन किया है, आपको लिख लेना है. ही ब्रेक्स हिज, तो आंसर इज डिस, यहाँ पे आएगा डी आई एस एच. सी डैडी गिव्स हिम, यहाँ पे आएगा मिल्क. मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिस. ब्रूनो इज नाउ हैप्पी. Your answers. You can see. Now question number 10. आपका जो last question number जो last में है 10, वो है change the following verbs in their past tense. तो जो verbs दिए हैं उनको past tense में change करना है. Sing, sang, walk, walk. Sing, sang, meet, met, walk, walk, make, bet, wait, waited, go, went. Fight for, right, wrong. You can see. Students, यहाँ हमारा lesson 13 over होता है. हमने उसे read किया, समझा और उसकी exercise complete की 1 से लेके 10 तक. अब आपको ये आपकी textbook में कर देनी है. You will get the photocopy of this lesson टुडे, एंड जहाँ जहाँ पे मैं एम पी लिखूंगी वो आपको मुझे भी लिखना है. नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा रीड एट दैट टाइम लिटिल टाइगर बिग टाइगर. वी विल मीट विथ लेसन 14. टिल देन बाय, थैंक यू.